हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज पकौड़ा कढ़ी। ये कढ़ी बहुत ही अलग बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही चटपटा होते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो इस कढ़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आप सभी लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार हमारे इस पकौड़े कढ़ी को ज़रूर बनाएं। सब्सक्राइब माई चैनल And press bell icon to get update. नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा किचन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पकौड़ा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमने दो प्याज को बारीक कट कर लिया है, 4 से 5 हरा मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, इसे हम रगड़ लेंगे। और यहाँ पर डालेंगे 1 कप बेसन, और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हमने मिक्स करके पकौड़ा का बैटर तैयार कर लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे हम कढ़ी के लिए जो घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया 1/2 कप बेसन, हल्दी पाउडर और 1/2 कप दही। इसको हम मिक्सर में ग्राइंडर करके इसका हम घोल बना के तैयार करेंगे। कड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम पकौड़ा कट करेंगे। तो सभी इसी तरह हम सभी पकौड़े को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, और हम पकौड़े को दोनों तरफ से अच्छे से पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से हमारे पकौड़े तैयार हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हैं। तो इसी तरह हम सभी पकौड़े को फ्राई करके निकाल लिए हैं। छोटे चम्मच से मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मेथी के दाने, 2 से 3 कटा हुआ लहसुन और अदरक कुटा हुआ, 7 से 8 कड़ी पत्ता और 2 लाल मिर्च। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, इसे भी भून लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो गई हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने घोल तैयार किया था दही और बेसन और हल्दी पाउडर का है, उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप दही लिया था और 1 कप बेसन, उसी हिसाब से हमने इसका 3 गुना पानी डाला है उसी कप से, 3 से 3.5 कप। और आप देख सकते हैं इन्हें हम 8 मिनट तक अच्छे से पका लिए हैं कढ़ी को। और यहाँ पे हम डालेंगे पकौड़े, सभी पकौड़े को डाल लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें, नमक हमेशा लास्ट में डालते हैं, इससे आपकी कढ़ी फटेगी नहीं। और अच्छे से मिक्स कर लें और पैन को हम कवर कर लेंगे। कवर करके हम 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। जब तक हमारा कढ़ी पक रहा है तब तक हम इधर कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने डाला है 2 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा छोटा वाला सरसों, और यहाँ पर डालेंगे कढ़ी पत्ता, अदरक और लहसुन और लाल मिर्च, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तड़का तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो गैस को हमने बंद कर लिया है। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, हमारे पकोड़े आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, पकोड़े में अच्छे से कड़ी एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं और यहाँ पर अब तड़का लगा लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमारा सुपर टेस्टी पकौड़ा कढ़ी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। तो ऊपर से हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे।
तब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी का थिकनेस कितना अच्छा आया है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, और जैसे ठंडा होता जाएगा आपकी थिकनेस वैसे बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं सुपर डुपर टेस्टी हमारा प्याज पकौड़ा कढ़ी बनके तैयार है। आप इसे अब अपने फैमिली में सर्व करिए। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।